जय हिंद दोस्तों, नौसेना का जवान करण सिंह 100 से अधिकों लोगों का जान बचाते हुए अपना ही जान को कुर्बान कर बैठे। हेलीकॉप्टर से लोगों को जान बचा रहे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश होकर समुद्र में गिर पड़ा, जहां पर यह जवान अपने 3 साथियों के साथ शहीद हो गए। हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले थे। नौसेना का जवान करण सिंह का शहीद होने की सूचना घर पर मिला तो परिवार परिजनों को रो रोकर हालत बुरा बन चुका था। शहीद होने से पहले वह अपने पत्नी से फोन करके वादा किया था, बहुत जल्द छुट्टी लेकर घर लौटूंगा, लेकिन इतना ही कहते ही जवान ने फोन काट दिया। बाद में पता चला कि जवान देश की रक्षा करते हुए अपने साथियों को जान बचाते हुए अपना ही जान को गंवा बैठे। बताया जाता है कि यह जवान हरियाणा के झज्जर जिले के डावला के रहने वाले हैं। कहा जाता है दोस्त, हर किसी के दिल पे एक दस्तार लिख जाऊंगा कि हर किसी के दिल पे एक दस्तार लिख जाऊंगा, जाते जाते मैं जमी को आसमां लिख जाऊंगा, अगर किसी ने देखा आग भर के हिंद को, सरहदों पे खून के हिंदुस्तान लिख जाऊंगा, हिंदुस्तान लिख जाऊंगा। हरियाणा के झज्जर जिले के डावला का रहने वाले भारतीय नौसेना का जवान करण सिंह देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। यह जवान 70 से अधिक लोगों को जिंदा जान बचाया, लेकिन यह जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। करण सिंह का एक बेटा और एक बेटी भी है, जो कि सभी को छोड़कर यह जवान देश के लिए अपने प्राण को नौछावर कर दिए। घर पर परिवार परिजनों को रोते भी लगते छोड़कर अपने देश के लिए प्राण को नौछावर कर दिए। बताया जाता है कि शहादत से इनकी पत्नी का रो रोकर हालत बुरा बन चुकी है। शहीद जवान के सेना के विशेष वाहन से पार्थिव से इनके पैतृक निवास स्थान पर लाया जाएगा, जहां पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ शहीद फौजी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। बताया जाता है कि यह जवान अपने साथियों के साथ अपने बहादुरी के दिखाते हुए यह जवान लोगों को जिंदा जान बचाया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर समुद्र में जा गिर पड़ा, जहां पर 3 नौसेना का जवान एक साथ शहीद हो गए। शहादत से परिवार परिजनों को रो रोकर हालत बुरा बन चुका था। शहीद जवान का एक दिन बाद पार्थिव शव को बाहर निकाला गया। पार्थिव शव को देखकर शहीद जवान के सूचना घर पर मिला तो परिवार परिजनों को रो रोकर हालत बुरा बन चुका है। बताया जाता है कि यह जवान के कल इनके पैतृक निवास स्थान पर सेना के विशेष वाहन से पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, जहां पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ शहीद फौजी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। सच में दोस्तों, जब कोई फौजी देश के लिए सरहद पर शहीद होते हैं तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर होती है। अगर शहीद जवान करण सिंह के लिए आप लोग को जरा सा रिस्पेक्ट हुआ, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मैं भगवान से सादर विनती प्रार्थना करता हूँ, शहीद जवान का आत्मा को शांति मिले और इस दुख की घड़ी में उनकी परिजनों को दुख सहने की शक्ति मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शहीद जवान के अंतिम यात्रा में हजारों दस हजारों का जनसैलाब उमड़े।